सो हे गाइस, न्यूज बॉय गाइस, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपको एक ब्रांड न्यू आईफोन सिर्फ एक रुपए में मिल सकता है, पर आप वेट करते ही रह गए। लेकिन देखो आप स्क्रीन पर, मिस्टर सुमित कुमार फ्रॉम गाजियाबाद को मिल भी गया। खुशी चेहरे पर साफ दिख रही है, क्योंकि इससे बड़ा डिस्काउंट और क्या हो सकता है। पॉपुलर डिमांड पर यह मौका फिर से आया, जानने के लिए वीडियो देखते रहे। प्रोफेसर बात करते हैं सलोनी आपा के बारे में। तो सलोनी आपा के ऊपर जो बहुत सारे यूट्यूबर्स खुश नहीं है, क्यों? एक ना चैनल है कोको रोस्ट करके, जो कि रोस्टिंग वीडियोस अपलोड करती है अपने चैनल पर, उन्होंने सलोनी आपा को रोस्ट किया। लेकिन उनके वीडियो पर जो आ गया कॉपीराइट स्ट्राइक, वहाँ पे आप देख तो लिखा हुआ है किसने टेक डाउन किया वो वीडियो, सलोनी सिंह ने। बोले थे रोस्टर्स कम्युनिटी अटेंशन प्लीज, सीधा हिपोक्रेसी ऑफ सलोनी आपा। पूरी दुनिया को गाली देने वाले से एक क्लीन रोस्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा। एनीवन कैन से इफ आई एम रॉन्ग। फिर वो जो वही वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, मैं आपको एकदम छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, पहले आप देखिए। हाँ, तो हमारी क्लिविज क्वीन, हाँ क्लिविज क्वीन, क्योंकि इसकी वीडियोस तुम्हें बाद में दिखाई देंगी और क्लिविज दिखाते हुए पिक्चर्स तुम्हें पहले दिख जाएंगी। वेल डन। एनी चांस अगर तुमने इन फोटोज में इस क्लिविज को अवॉइड कर दिया, तो वीडियो में तुम्हारे एंटरटेन होने का पूरा इंतजाम हो रखा है। ओके ओके। देखो भाई, सलोनी में टैलेंट तो है हिपोक्रेसी का। क्या सोच के इसने क्रिएटर पे बोला था, सीधे सीधे बोलो कोठा खोले हम मुजरे वाले आए हैं, जिसका मुकाबला राखी सावंत भी नहीं कर सकती। मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ। कभी दीदी के आइडियल हुआ करते थे द ग्रेट टिकटॉकर फैजू। कौन सबसे अच्छा लगता है 1407? क्योंकि इन्हें भी अपनी कमल लटकाते हुए फैजू के लेवल तक पहुँचना था। मेरा एक गुलाब मंजूर कर ले, सच कहने में सच्चा प्यार हो। पर एक दिन टिकटॉक के पाप का घड़ा भर गया। अब देखो, जब गवर्नमेंट सारे पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करती जा रही है, तो ऑडियंस अब कहाँ जाएगी? हाँ, इसलिए सलोनी ने बना रखा है अपने चैनल को पॉर्न हब लाइट। तो कम ऑन दोस्तों, कम ऑन, आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे पे। इसके लिए मैक्सटन रिप्लाई किया, वेल इट्स अनफेयर यूज ऑफ यूट्यूब कॉपीराइट पॉलिसी। क्रिकेट इंसान लिखे, मेरे भी बना लो, मैं नहीं मारता कॉपीराइट स्ट्राइक। बाय द वे, सॉ द वीडियो, एब्सोल्युटली हिलेरियस। ऑल्सो क्रिकेट इंसान उस ट्वीट को रीट्वीट भी किया, लिखे मेरे पे 1000+ वीडियोस बनी है, कभी किसी को स्ट्राइक ना देने का घमंड है। यहाँ पे आई एम बिक्सू लिखे, रियली कंसर्निंग, क्या होगा हमारे यूट्यूब सीन का। थकेश भी लिखे, व्हाट इज सेम हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। बाकी सर, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान का एक फोटो शूट के दौरान के कुछ फोटो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहे इंटरनेट पर। लोग जो यकीन नहीं कर रहे, वो जो 56 इयर्स के हैं, यस, आप देख सकते हो फोटोज में वो काफी यंग दिख रहे हैं। और जो लोग शाहरुख खान के उस फोटो शूट से रिलेटेड ट्वीट्स वगैरह करके ये बोल रहे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा वो जो 56 इयर्स के हैं, तो उसी ट्वीट के नीचे कुछ रिप्लाईज भी है। जैसे वो जो एक एडिटेड फोटो है ना, और जो एक फोटो काफी सारे लोग शेयर कर रहे हैं, ये वाला, जहाँ पे आप देख सकते हो शाहरुख खान जो यंग नहीं दिख रहे, एकदम रॉ फोटो है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताना। चलिए अगली अपडेट के बारे में, बिग बॉस के बारे में। तो क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? बिग बॉस 7 के एक्स कॉन्टेस्टेंट अपूर्व अग्निहोत्री एंड शिल्पा सकलानी ने रिएक्ट करा। यस, वो अपने चैनल पर जो एक व्लॉग अपलोड किया ना, मैं आपको एकदम छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, कौन विनर है, क्या है? सी, बिग बॉस इज नॉट स्क्रिप्टेड, लेकिन ये जरूर होता है कि हर इंसान को ये पता होता है कि इफ आई वॉन्ट टू बिकम द पर्सन इन दिस सीजन, मुझे क्या क्या करना है। उनके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, विच इज रिएक्ट करो, कंटेंट दो, लड़ाई करो, आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप सामने रखिए, बी असर्टिव अबाउट इट। आई वुड से है नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता है। पीपल कम इन विद द एजेंडा। क्या होता है स्क्रिप्टेड का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने एक फिल्म की कहानी लिख दी है, बट स्क्रिप्टेड मतलब ये होता है कि आपको कंटेंट देने के लिए, लोगों को छोड़ दो, कंटेस्टेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे चैनल में लोग बैठे हुए हैं, दे नो एग्जैक्टली, क्या वो अपनी वो नहीं कर सकते कि चलो दे फॉन्ड ऑफ समबडी। अच्छा, वैसे कह रहे हो, वो स्क्रिप्टेड बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स होता है, डेफिनेटली होता है, 110% होता है, और ये बात तो आप लोग ही मालूम है। चलिए अब बात करते हैं कैसे आपको मिल सकता है आईफोन 14 सिर्फ एक रुपए में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 2 अप्रैल को इंडियन T20 लीग का मैच है, बैंगलोर वर्सेस मुंबई के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप एंड अपना टीम बनाओ भाई। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ एक रुपया है, एंड ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 2 अप्रैल के मैच के लिए ही वैलिड है, एंड सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, एंड मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच डे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और सेकंड प्राइज भी जीतो 1 करोड़ रुपीज। सोचो अगर सेकंड प्राइज इतना बड़ा है तो फर्स्ट प्राइज
कितना बड़ा होगा। अगर ये वीडियो इस मैच के बाद भी देख रहे हो तब भी डाउनलोड करके टीम बनाना मत भूलना, क्या पता आप अगले मैच में जीत जाओ। डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक पर से डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप एंड मेरा कूपन कोड news23 यूज करो। इससे क्या होगा, डिपॉजिट करते आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा और साथ ही मिलेगा 1500 का बोनस कैश। सो वेट किस बात का करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप एंड बैंगलोर वर्सेस मुंबई मैच के लिए टीम बनाओ अभी। चलिए अगली अपडेट के बारे में, आरजी गेमर लाइव के बारे में। अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम किया था 17 आवर्स का, अभी स्क्रीन पर आपको 12 आवर्स दिखा रहा होगा लेकिन एक्चुअल में 17 आवर्स का लाइव स्ट्रीम था जहाँ पे उन्हें 1,00,000 बार जय श्री राम बोल। यस, मैं आपको एकदम लास्ट वाला उनका रिएक्शन दिखाता हूँ ना, आप देखिए। जय श्री राम। भाई 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 कर दिखाया आरजी भाई, कर दिखाया भाई। और मेरे हाथ में कुछ नहीं, कुछ हो रहा हाथ में। अरे वो नहीं होता अंदर से गुन 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 गुन, वो रहा था मेरे। जय श्री राम। Guys, आज हगी कर लो सारे। तो चलिए अगली अपडेट के बाद में, चुके बंदे के बारे में जो कि ट्रेन में ना अंडरगार्मेंट्स पहने हुए थे, वहाँ के जो पब्लिक है ना उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अब यहाँ पे एक और वीडियो वायरल हुआ एक लड़की का जो कि मेट्रो का, जहाँ पे आप देख सकते हो उसने भी जो काफी कम कपड़े पहने हुए ना उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट जिस बंदे ने उस लड़की का वीडियो को शेयर किया था उल्टा उसको ही ट्रोल करने लगे लोग। तो उसका यहाँ पे द एपिक लेडी लिखी, इफ द वुमन हैव राइट देन मैन टू हैव दैट राइट, रोम नेकेड मुझे क्या। उसका यहाँ पे बिंदास काव्य रिप्लाई करती है, वी ऑल मस्ट रिएक्ट लाइक अरे जाने दो छोड़ो ना यार, मेक श्योर शी इज नॉट हार्म्ड और डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन, कोई ध्यान ही मत दो, दीदी चुप चुप घर चली गई। और जो वो लड़की से रिलेटेड यहाँ पे बरखा त्रेहान ने एक ट्वीट किया था ना, एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट सेमलेस फेमिनिस्ट वांट, आई वुड कॉल इट कल्चरल जेनोसाइड। उसके नीचे किसी ने कमेंट कर दिया था, सोशल मीडिया पर छाई एक शख्स को रियल लाइफ में कॉपी करने का ट्रेंड शुरू हो गया है क्या, यहाँ पे उर्फी जावेद का बात हो रहा है। तो उसके यहाँ पे बरखा त्रेहान रिप्लाई करती है, बिल्कुल सही कहा आपने मोनिका जी। और जहाँ पे उर्फी जावेद का मतलब बात करते, उर्फी जावेद के बारे में वो एक ट्वीट की थी ना, आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग एवरीवन सेंटीमेंट बाय वेयरिंग व्हाट आई वेयर, फ्रॉम नाउ ऑन यू गाइस विल सी अ चेंज्ड उर्फी, चेंज्ड क्लोथ्स माफी। वो अपोलोजाइज की जो भी वो कपड़े पहन के लोगों का सेंटीमेंट्स हर्ट की ना, और सो बताया कि अब से जो हम चेंज्ड उर्फी जावेद देखेंगे अलसो कपड़े वगैरह भी वो सही वाले पहनेंगी। अब यहाँ पे कितना सच है कितना झूठ है वो पता नहीं है, लेकिन आप 1 अप्रैल का ट्वीट नहीं था बता दूं, क्योंकि 1 अप्रैल के ट्वीट्स वगैरह या फिर न्यूज वगैरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अगली अपडेट के बाद में, चुका अरिजीत सिंह के बारे में। तो अरिजीत सिंह का क्लिप जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो वो जो एमएस धोनी का पैर छूता है ड्यूरिंग आईपीएल 2023 ओपनिंग सेरेमनी। तो काफी सारे लोग उनको यही बोल रहे कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, उनमें ईगो नहीं है, मतलब इस टाइप के बहुत सारे लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे आईपीएल का बात है तो बात करते हैं आईपीएल के ही बारे में। तो आपको बता दो इस बार आईपीएल जो जियो सिनेमा में स्ट्रीम हो रहा है, जियो सिनेमा ने जो एक रिकॉर्ड बना दिया भाई, आईपीएल के ओपनिंग डे में जो 2.5 करोड़ डाउनलोड हुए थे जियो सिनेमा के, यस 2.5 करोड़, एंड कॉन्करेंट व्यूअर्स है 1.6 करोड़ तक चला गया। यस, गुजरात टाइटन्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का जब मैच हो रहा था, और जो 6 करोड़ से ज्यादा यूनिक व्यूअर्स वो मैच को देख रहे थे, एंड डे वन का टोटल मैच व्यूज हुआ था 50 करोड़ व्यूज, जो कि बहुत बड़ा नंबर है भाई। लेकिन कुछ लोग जो खुश नहीं है जियो सिनेमा से, क्योंकि वो कुछ इश्यूज वगैरह फेस कर रहे हैं, जैसे बफर करता रहता है, लैग करता रहता है, मतलब स्मूथली नहीं चलता ना। अगर आपने भी ऐसा इशू फेस किया तो कमेंट में जरूर से बताना। चलिए अगली अपडेट के बाद में, उसके मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट को ना थोड़ा सा हेट मिल रहा था, क्यों, उन्होंने एक वेटरेस को एक कार गिफ्ट कर दिया था, एंड वहाँ पे वो कार में ना उनका लोगो था, मिस्टर बीस्ट का लोगो। तो उस वजह से लोग जो उनको हेट कर रहे थे कैंसिल कर रहे थे। तो उसके ऊपर जो मिस्टर बीस्ट ने रिएक्ट करा वो काइंड ऑफ फनी दैट ट्विटर ट्राइड टू कैंसिल मी फॉर हैविंग अ लोगो ऑन अ कार व्हेन द पर्सन आई गिव द कार रिक्वेस्टेड इट, ऑल्सो टू द काउंटलेस पीपल कंप्लेनिंग अबाउट हाउ माई प्राइजेस स्क्रू पीपल ओवर बिकॉज ऑफ टैक्सेस, इफ दे कांट अफोर्ड इट आई गिव देम द ऑप्शन टू जस्ट लेट मी सेल द आइटम एंड गिव देम द कैश इंस्टेड, आई प्रॉमिस आई एम नॉट इविल पर्सन ट्विटर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, अभियान न्यू के बारे में। तो उन्होंने एक फेक एड से रिलेटेड एक ट्वीट किया था, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर। ये वाला एड आप देख सकते हैं, ये कंप्लीटली फेक एड है। वो लिखे, गॉट दिस एड ऑन यूट्यूब, डोंट फॉल प्रे टू सच स्कैम्स, यूट्यूब इंडिया प्लीज टेक नेसेसरी एक्शंस। तो चलिए अगली अपडेट के बाद में, युगेश रेशम राइडर के बारे में। युगेश रेशम राइडर से बिहार में गया था, वहाँ पे उनका एक होटल में जो काफी खराब एक्सपीरियंस रहा, यस उसने खुद बुलाया उनको ना, एंड पूरा ऑर्गेनाइज वगैरह किया था मीटअप वगैरह, लेकिन बाद में वो बोलता कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, वो बदतमीजी करने लगा, यस इसके ऊपर जो वो काफी नाराज हो गए थे, आप देखिए। मेरा ना बिहार में पहली बारी किसी होटल में एक्सपीरियंस था, और ब्लू डायमंड रिसॉर्ट के जो होटल वाले थे ना गाइस, वो इतना गंदा होटल था ना, इतना गंदा मैनेजमेंट, सही में बहुत बदतमीजी करी आज उन लोगों ने, भव्या से भी बदतमीजी करी यार। मुझे समझ नहीं आता, लोग ना पहले इनवाइट कर लेते हैं और जब उनसे चीज़ें नहीं संभलती तो फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं। मैं ये नहीं बोलता गाइस कि सब कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बट बदतमीजी हो रही थी आज उस होटल में। वो मेरे को बोल रहे हैं कि बाबू भैया आप अपना इवेंट कैंसिल कर दो। मैंने कहा अगर मैं इवेंट कैंसिल करूंगा ना, लोग ना रिजॉर्ट फोड़ देंगे और लोग आप ही को दिक्कत करेंगे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। फिर सीनियर वगैरह इसकी कैसे कैसे करके ना सब चीजें निपटाई। ऑल्सो एल्विश यादव उनके फ्रेंड का जो पुलिस वाले के साथ एक काफी खराब एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बारे में वो बताए ना अपने व्लॉग में, आप देखिए। जब हम गए पूरा बताना,
भाई ऐसे ना हिमांशु गाड़ी चला रहा तो हम लोग रेड लाइट पे रुके हुए थे नॉर्मल, एकदम से वो ग्रीन हुई तो हिमांशु है ना पता नहीं लेफ्ट में देख रहा था कि लगे ना क्योंकि अड़ा के खड़ा था एक बंदा, तो हिमांशु राइट काटी और एकदम से आवाज आई डप डप की, पुलिस वाला बज रहा था उसके अंदर पुलिस वाले को मार दी तुमने भाई, आपके फादर साहब भी पुलिस में है ना, तो मेरा पापा ऐसे अंधेरे में चलेगा थोड़ी ना, तेरे पापा अंधेरे में दिखता नहीं है, ग्रीन लाइट हो गई भाई समझ गया यार आप, ठीक है फिर वो अकड़ रहा तू मार दी कैसे कहाँ का तू, ये कह रहा भाई घाटा गाऊ अकड़ के इसको दिखा रहा है, फिर उसने कहा कि फिर उसने वो एक दूसरा बंदा वो सिगरेट पी रहा था, रहा यही मुंह डाल के ना बुझा दूंगा तेरी जवान ज्यादा चल रही है ऐसे कुछ कह रहा था नाइस ये तो गलत करा पुलिस वालों ने भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मेरे पुलिस वाले भाइयों, हिमांशु ने तो ये भी कहा कि हाँ जी मेरी गलती है मैं मानता हूँ आप बताओ कि उसने लाइसेंस मांगा इसने लाइसेंस दिखा दिया, फिर कह रहा अग लगा ले तू, फिर अज्जू भाई से बात चली रही थी, फिर कह रहा कौन है ये यू इसमें अलग अकड़ है, यू कर हाँ भाई क्या करना है अज्जू भाई बात कर रहा, फिर जैसे ही आप लोग आए भाई वो गुस्सा ऐसे था वो ऐसे हो गया, कर हाँ जाओ चलिए अगली अपडेट के बाद में चुके बीस्ट बॉय सुख के बारे में, तो बीस्ट बॉय सुख का जो है रेसिडेंट इवल 4 वीडियो को जो है एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया यूट्यूब ने, उसको लेकर जो वो खुश नहीं था ना उन्होंने मैनुअल रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मैनुअल रिव्यू अपील को रिजेक्ट कर दिया वो भी 5 मिनट में, इंटरेस्टिंगली वो वीडियो जो 27 मिनट का था, ये कैसे हो सकता भाई 27 मिनट का वीडियो 5 मिनट में वो लोग ने रिव्यू करके अपील को ही रिजेक्ट कर दिया एंड वो भी मैनुअल रिव्यू पे भाई, उसका जो टीम यूट्यूब खुद रिप्लाई किया वही मतलब तुम लिंक शेयर कर सकते हो गया, तो उसका जो बीस्ट बॉय सुख ने लिंक भी शेयर किया शायद से मैटर सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्द, तो चलिए अगली अपडेट के बाद चुके एक बंदे के बारे में जो कि बाइक स्टंट कर रहा था साथ में दो लड़कियों को लेके, तो उसका वीडियो को किसी ने शेयर किया था ट्विटर पर, तो उसका जो मुंबई पुलिस ने रिप्लाई किया कि केस जो हमने रजिस्टर कर दिया अगर किसी के पास वो बंदे का इन्फॉर्मेशन है तो हमें बताइए ऐसा करके, तो बहुत जल्द उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो चलिए अगली अपडेट के बाद चुके लेब्रॉन जेम्स के बारे में, एक काफी पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है, इन्होंने ट्विटर ब्लू टिक से रिलेटेड एक ट्वीट किया बताते हुए कि उनका ब्लू टिक जो बहुत जल्द चला जाएगा क्योंकि वो जो $8 पे नहीं करने वाले, बताते हुए इनके ट्विटर पर जो 52 मिलियन फॉलोअर्स है और कितना अमीर है मुझे शायद बताने का जरूरत नहीं है, वो $8 नहीं देने वाले भाई, और मैं यहाँ पे 20,000 कमा के वहाँ पे $8 दे रहा हूँ, पता नहीं भाई किसी ने तो कहा था कि जो अमीर होते हैं वो लोग जो सोने की चेन सोने की घड़ी पहन के नहीं दिखाते, मैं भी हटा दूंगा भाई ट्विटर ब्लू टिक, तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड हां भाई माय सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना क्योंकि ₹1 में एक iPhone 14 मिल रहा है और जो ₹1 करोड़ मिल रहा है सेकंड प्राइस में फर्स्ट में तो उससे भी बड़ा है, 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे एंड 1500 का कैश बोनस, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया।